हेलो दोस्तों, अपन एक टॉपिक थोड़ा सा प्रतिशत के बारे में जानते हैं। प्रतिशत है, क्या होता है और प्रतिशत किस प्रकार निकाला जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से होता है प्रतिशत है, जो कि सर्वप्रथम करवाया जाता है और सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे प्रतिशत। अच्छा, सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब तो आपको पता ही होगा, जिस प्रकार शतक लगती है सौ होता है। सत का मतलब क्या होता है? सौ। सत का मतलब क्या होता है? सौ। और प्रति एक के पौने, मतलब एक बटा सौ। एक बटा सौ का मतलब क्या हो गया? प्रतिशत। एक बटा सौ का मतलब क्या हो गया? प्रतिशत। प्रतिशत किस प्रकार लिखा जाता है? इस प्रकार, ठीक है। प्रतिशत का मतलब हो गया प्रतिशत बराबर एक बटा सौ। अपन प्रतिशत में क्या करते हैं कि प्रत्येक बात, प्रतिशत में प्रत्येक बात अपन सौ पर करेंगे। प्रत्येक बात सौ पर करेंगे। जैसे मानो कि किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी पास हो गए, किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी पास हो गए तो फेल कितने हो गए? फेल कितने हुए? 20% विद्यार्थी क्या हो गए? फेल हो गए। ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि 80% विद्यार्थी अगर पास हो रहे हैं तो 20% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। ठीक है, चलो प्रतिशत का अर्थ आपको बताई दिया। प्रत्येक बात अपन सौ पर करेंगे, ठीक है। और ये अब क्या करते हैं अपने, जिस प्रकार सौ है, ठीक है, 100% है। 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब होता है एक। 100% का मतलब क्या होता है? एक, ठीक है। इस प्रकार 50% है, 50% का मतलब क्या होता है? एक बटा दो। 50% का मतलब क्या होता है? एक बटा दो। 25% है, 25% का मतलब क्या होता है? एक बटा चार। 25% का मतलब क्या होता है? एक बटा चार। ये देखो किस प्रकार आया, जिस प्रकार ये सौ है, क्या है? सौ है। और परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो अपन बट्टा में क्या लगा देते हैं? सौ। परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो बट्टा में क्या लगा देते हैं? सौ। अगर सौ से सौ कैंसिल होगा तो क्या आएगा? एक। अब ये देखो, ये क्या है? 50। 50 के आगे क्या लगा हुआ है? प्रतिशत का चिन्ह। अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बटा में क्या जाएगा? 100। 100 लगा दो तो 50 से 100 कैंसिल होंगे तो क्या आएगा? एक बटा दो। अब ये देखो क्या है? 25%। 25 के आगे क्या लगा हुआ है? प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बटा में 100। अब इसको कैंसिल करोगे तो क्या जाएगा? एक बटा चार। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये लिख लो 100%, 50%, 25%। और बताता हूँ मैं, बारह सही, बारह सही एक बटा दो का मतलब क्या होता है? एक बटा आठ। बारह सही एक बटा दो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? एक बटा आठ। सोलह सही दो बटा तीन, ये लिख लो, सोलह सही दो बटा तीन परसेंटेज का मतलब क्या होता है? एक बटा छः, ठीक है। ये भी लिख लो और ये भी लिख लो। चौदह सही दो बटा सात का मतलब क्या होता है? एक बटा सात, ये लिखो। ग्यारह सही एक बटा नौ का मतलब क्या होता है? एक बटा नौ। तैतीस सही एक बटा तीन का मतलब क्या होता है? एक बटा तीन। ये थोड़ा सा क्या है ध्यान में रखना है अपना, 100% का मतलब एक, 50% का मतलब एक बटा दो, 25% का मतलब एक बटा चार, सोलह सही एक बटा दो का मतलब 1% आठ हो गया, सोलह सही दो बटा तीन का 1/6 हो गया, सोलह चौदह सही दो बटा सात का 1/7, उन्नीस ग्यारह सही 1/9 का 1/9, तैतीस सही 1/3 का 1/3। एक बटा कह रहा,
लिखो, लिख लिया। चलो ये काम क्या आते हैं वो सुनो, ये किस प्रकार आते हैं और ये काम क्या आते हैं। ये देखो जिस प्रकार अपने 33 से ये 1/3 को 1/3 किस प्रकार लिखा गया है, जिस प्रकार ये है 33 से ही 1/3 परसेंटेज बराबर 1/3, इसको इससे गुणा करते हैं तो 33 को 3 से गुणा किया तो 99, 99 में 1 जोड़ा तो 100 बटा 3। आगे क्या है, परसेंटेज का चिन्ह है, ठीक है 100/3 परसेंटेज का चिन्ह हटाया तो बटा में 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल करोगे तो क्या बचा 1/3, ठीक है। इसी प्रकार ये बाकी के सरलकरण, ठीक है। आगे देखो, लिख लिया क्या, चलो आगे देखते हैं अपन। अगर प्रतिशत का आपको कोई प्रतिशत में मतलब कोई लेके आना है या प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, प्रतिशत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अगर आपको प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। जिस प्रकार देखो प्रतिशत आपको ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा किया जाता है। इस प्रकार मान लो ये 25 है, क्या 25 है, इसको प्रतिशत में लेके आना है तो 100 का क्या कर देते हैं, नहीं देखो जिस प्रकार 1/2 है, जिस प्रकार है 1/2 है, अपने को क्या करना है 1/2 को प्रतिशत में लेके आना है तो प्रतिशत में लेके आने के लिए अपन क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। 1/2 को 100 से गुणा किया, क्योंकि अपने को प्रतिशत में लेके आना था तो 100 से गुणा किया तो क्या आ गया 50, कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया 50 प्रतिशत, क्या आ गया 50 प्रतिशत, ठीक है। अगर किसी संख्या को प्रतिशत में लेके आना है तो 100 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। अगर प्रतिशत हटाना हो, अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो 100 का भाग किया जाता है, 100 का भाग किया जाता है। जिस प्रकार मान लो ये 50 ही मान लो, क्या 50% है, यहां पर अपने को परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो अपन क्या करेंगे, 50% का चिन्ह हटाओगे तो बटा में क्या जाएगा 100%, का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, बटा में 100, 5 को 10 से काटा तो 1/2, ये प्रतिशत का चिन्ह हट गया, ठीक है। किसी संख्या को प्रतिशत में लेके आने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, हटाने के लिए 100 का भाग किया जाता है। आगे देखते हैं, देखो क्यों सुने, इस प्रकार 150 600 का कितना प्रतिशत है, 150 क्या क्यों सुने कि 150 600 का कितना प्रतिशत है, 150 है वो 600 का कितना प्रतिशत होता है, करो देखो 150 आ गया, ठीक है। और ये जिसके आगे का लगाओ, जिसके आगे का लगाओ उस वैल्यू को क्या कर देते हैं अपने, भाग में लगा देते हैं, ठीक है। और प्रतिशत में लेके आना है कितना प्रतिशत है तो क्या कर देते हैं अपने, 100 से गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल, तो ये कैंसिल करोगे 6 से तो क्या आ जाएगा 25%, क्या जाएगा 25%, ठीक है, क्या होगा 25%। चलो आगे देखते हैं,
240 का कितना प्रतिशत है? करो चलो उसी प्रकार करेंगे। किस प्रकार करोगे? 240 ठीक है, जिसके आगे का लगा उसको क्या कर देते हैं, भाग में। 240 बटा 80 गुणा 100, 240 बटा 80 गुणा 100, बिंदी से बिंदी, और 8 को 8 3 24 3 आ गया, और ये 1 रेखे 2 बिंदी क्या गया 300%, क्या गया 300%। 240 80 का कितना प्रतिशत है? 300। 240 80 का कितना प्रतिशत है? 300 ठीक है। जिस प्रकार आपने सुना होगा कि मान लो आप है, आपके 500 में से 430 नंबर आते हैं, ठीक है, आपको 500 में से आपके 430 नंबर आ गए, ठीक है, तो इनको प्रतिशत में आपको बोल दिया कि आपके 430 नंबर आए, तो बताओ आपके कितने परसेंटेज अंक आए। आपको बोल दिया कि आपको 430 नंबर आए हैं तो आपके कितने प्रतिशत अंक आए, तो अपन क्या करेंगे, 430 और कितने में से आए, 500 में से, कितने में से, 500 में से 500, और प्रतिशत में लेके आ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा, तो क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। अगर आपको परसेंटेज निकालना हो किसी कक्षा में किसी के अंक आए, तो 430 अंक आ गए, मान लो 520 आ गए, 630 आ गए, कितने में से हैं, ऊपर तो वो जो कितने आए हैं आपके, और नीचे टोटल कितने में से हैं, और गुणा 100, इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 86%, क्या आ जाएगा, 86%, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 86%। आगे देखते हैं, अस्सी का कितना प्रतिशत 80 है? क्वेश्चन क्या है, 80 का कितना प्रतिशत है, 80 है, करो अस्सी का कितना प्रतिशत है, 80 है, क्या करेंगे, 80 ये 80 लिख दिया, का वाली वैल्यू अकाउंट में, 80 कितना प्रतिशत है, तो अपन किससे गुणा कर देते हैं, 100 से, तो 80 से 80 कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया, 100%, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, समझने में डिफरेंस है थोड़ा, कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो क्वेश्चन चेंज होता है, ये किस पर कर होगा, कि 80 का मतलब गुणा 80 बटा में 100, तो दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल, तो 64%, 80 का कितना प्रतिशत 80 है, इस प्रकार क्वेश्चन हो तो क्या होगा, 64, और ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा, ये 80 का कितना प्रतिशत 80 है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है, ये क्वेश्चन इस प्रकार, और ये इस प्रकार है कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लिया करो थोड़ा सा ध्यान से, और वीडियो को एक बार देखने से समझ में नहीं आता है, 2-3 बार देखना पड़ेगा। आगे वाला क्वेश्चन लिखो, 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन क्या है, 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, करो चलो देखते हैं, 150 मीटर 3 किलोमीटर का, ये क्या है, का, ठीक है, तो ये लगा दिया 150, और अपॉन में क्या देते हैं, भाग किसका, 3 किलोमीटर का, 3 का गुणा 100, परंतु अपन यहाँ 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि अपने को प्रतिशत में लेके आ रहा है, परंतु अपन यहाँ 3 का भाग
नहीं देंगे। क्या नहीं करेंगे? तीन का भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि तीन का भाग इसलिए नहीं देंगे, यहाँ क्या है 150 मीटर है। क्या है? 150 मीटर है, जबकि यहाँ क्या है 150, ये 3 किलोमीटर है। इनकी इकाई हमेशा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो इकाई अपन क्या करेंगे, पहले अपन इकाई समान करेंगे, फिर अपन भाग देंगे। चलो किस प्रकार इकाई समान करते हैं, अगर आप ध्यान रखना एक छोटी सी बात का, अगर आप इकाई समान कर रहे हो तो बड़ी वाली वैल्यू को अपन छोटी की तरफ लेके जाते हैं। क्या करते हैं? बड़ी वाली वैल्यू को छोटी की तरफ, मीटर बड़ा होता है या किलोमीटर? किलोमीटर बड़ा होता है, ठीक है। तो किलोमीटर में क्या करेंगे अपन, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर बराबर है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होते हैं। अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 3000। क्या हुए? अगर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है तो 3 किलोमीटर बराबर क्या हो गए? 3000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं तो 3 किलोमीटर बराबर क्या हो गया? 3000 मीटर। इकाई सेम हो गई दोनों की, ठीक है। इसको कैंसिल किया तो क्या आ गया? 5%, 3 5 15, 5% बिंदी से बिंदी कैंसिल हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर ये इकाई चेंज करनी होनी अपनी को, तो बड़ी वाली इकाई को छोटी वाली इकाई में चेंज करना आसान रहता है। क्यों? कि जिस प्रकार बड़ी वाली इकाई है तो क्या होगी? अमीर होगी। तो अमीर को गरीब बनाना आसान होता है, ठीक है जी। अमीर को गरीब बनाना आसान होता है, जबकि गरीब को अमीर बनाने में क्या लगता है? टाइम लगता है। इसलिए अपन छोटी इकाई को बड़ी की तरफ लेके नहीं जाते हैं, बड़ी इकाई को छोटी की तरफ लेके जाना आसान होता है, ठीक है। आगे देखो, छत्तीस सेकंड एक घंटे का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन क्या है कि छत्तीस सेकंड एक घंटे का कितना प्रतिशत है? करो, देखो 36 सेकंड ये क्या है? 36 सेकंड, ठीक है, लगा दिया 36। अपन भाग किसका देंगे? जिसके आगे का लगाओ, एक घंटे का तो भाग दे देंगे, ठीक है। और गुणा किससे कर देते हैं? 100 से, क्योंकि अपने को प्रतिशत में लेके आना है, ठीक है। परंतु अपन यहाँ एक का भाग नहीं देंगे, एक का भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि ये इकाई तो क्या है? सेकंड में है, और ये क्या है? घंटे में। पहले अपन क्या करते हैं, इसकी इकाई समान कर लेते हैं। इकाई समान करने के लिए क्या रूल बताया था? कि बड़ी वाली इकाई को छोटी वाली इकाई में लेके जाते हैं। तो एक घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा? एक घंटे में कितने मिनट होती है? एक घंटे में 60 मिनट होती है, और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो 60 को 60 से गुणा किया तो 3600, ठीक है। दो बिंदी कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल होगा तो 1% क्या आ जाएगा? 1%। 36 सेकंड एक घंटे का कितना प्रतिशत होता है? 1 सेकंड। किसके बराबर होता है? 1 सेकंड के बराबर। आगे वाला क्वेश्चन लिखो, 200 का 12% कितना है? 200 का 12% कितना है? चलो, अच्छा वो कुछ नहीं बता, 200 का 12% कितना है?
तो क्या करोगे, 200 का मतलब गुणा 12 अपॉन में 100, का मतलब क्या होता है गुणा, दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल, तो 12 × 24, ठीक है 24। और लिखो क्वेश्चन, 200 का 12%, 200 गुणा 12/100, देखो 300 का 16% कितना है, करो 300 का मतलब गुणा 16/100, दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल, 16 × 3 = 48, ठीक है। चलो आगे लिखो और क्वेश्चन, क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो तो, इस प्रकार मान लो 200 का 10% प्लस 300 का 30% माइनस 100 का 10% कितना है। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करोगे 200 का मतलब गुणा 10/100, बीच में चिन्ह प्लस का 300, क्या 300 का मतलब गुणा और 30/100, जिस बस का मतलब गुणा होता है, बाकी सेम सेम रहता है, 100 × 10/100, ठीक है। दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल, 20 प्लस दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल, 90 माइनस दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल, तो 10। अब क्या करोगे, पहले क्या होता है, पहले प्लस होता है माइनस होता है, पहले प्लस होता है, माइनस सबसे लास्ट में होता है, बोर्ड मोस के नियम के अनुसार 110 - 10, तो क्या आ गया 100, ठीक है। इस प्रकार अगर प्लस माइनस में और बड़ा क्वेश्चन हो तो हो सकता है आसानी से। एक परसेंट का आधा कितना है, क्वेश्चन क्या है, 1% का आधा कितना है, करो। चलो एक, ठीक है, परसेंटेज का चिन्ह हटाया, बटा में 100 का 1% का गुणा आधा मतलब 1/2 कितना है, एक को एक से गुणा किया 200, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, इसमें भाग दोगे तो 0.005, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, समझ आ गया 1% का आधा कितना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। किसी संख्या का 16%
48 है तो किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या ज्ञात करो। चलो देखते हैं, किसी संख्या का 16% किसी संख्या का 16% 16% किसके बराबर है? 16% का भाग किसके बराबर है? 48 के बराबर है। किसके बराबर है? 48 के बराबर है। अगर 16% 48 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर है? 1% कितने के बराबर है? 48/16 कितना गया? 3। अगर 1% 3 के बराबर तो अपन कितने पर बात करते हैं? 100 पर, तो 100 का निकाल लेते हैं। तो 100% कितने के बराबर होंगे? 300 के बराबर। 16% अगर 48 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर? 3 के बराबर। अगर 1% 3 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर है? 300 के बराबर है होगा।